हेलो दोस्तों, कावे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड मंचूरियन। तो देख लिए, इसके लिए मैंने ये ब्रेड लिया है, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक काटा है, ये प्याज, ये दो छोटा प्याज, ये चार लहसुन की कलियाँ हैं, दो मिर्चें हैं, और ये गाजर है जिसको मैंने ग्रेट किया है, और ये तीन गाजर है, ये बंधा गोभी है जिसको मैंने बारीक कट चॉप किया है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये कॉर्नफ्लावर है, ये हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस है, और ये कुटी काली मिर्च, एक चम्मच हमने लाल मिर्च ली है छोटा लाल, और नमक, और ये सोया सॉस, और ये विनेगर, वाइट विनेगर। तो चलिए हम पहले इसका डो तैयार करते हैं। तो मैंने एक बड़ी थाली ले रखी है और इसका मुझे बाद में ज़रूरत लगेगी। तो मैं इसमें अपने ये ब्रेड के जो मैंने बन वो लिया है, मैंने छह ब्रेड ब्रेड के स्लाइस हैं जिसको मैंने वो उसमें मिक्सी में पीस लिए हैं। अब मैं ये इसमें ये गाजर और ये बंधा गोभी और ये एक चम्मच, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये कॉर्नफ्लावर मुझे लेना है, ये मैं दो चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, और ये एक चम्मच लाल मिर्च। अब मुझे इसका डो तैयार करना है, और मैंने गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है जो गर्म हो रहा है। ये देखिए डो मेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसकी छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी, इस टाइप के, ऐसे नींबू साइज में आप बना लीजिए। ये देखिए, तो मैं इसको ले करके ये बॉल बना ले रही हूँ सारे। और मैंने ये देखिए अपना ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, इसको काफ़ी गरम होना है। तब तक जब तक ये गरम हो रहा है, तब तक मैं अपने सारे इसके डो के बॉल बना ले रही हूँ। ये देखिए मैंने अपने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब चलिए मैं फ्राई कर रही हूँ, और मेरा ये ऑयल भी गरम हो गया है। देखिए मैं एक डाल करके चेक कर रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसी तरह एक एक करके सारे बॉल डाल दे रही हूँ। अब मुझे इन्हें पूरा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए मेरे सारे बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, यूँ मुझे साइड से करके। देखिए पूरे गोल्डन हो गए हैं एकदम, ये गोल्डन ब्राउन, तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ यूँ। ये देखिए मेरे सारे बॉल बनके तैयार हो गए हैं, और मैंने इसमें ऑयल निकाल दिया है, सिर्फ दो चम्मच रखा है। अब मैं इसमें ये जो मैंने ये गार्लिक दिया था दो दो कली, वो मैं डाल दे रही हूँ, और ये मैंने जो ग्रीन चिली ली थी उसको मैंने लंबा लंबा दो काटा है इसको, और मुझे हाई फ्लेम पे ही इनको भूनना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो ये देखिए मैं भून ले रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा नहीं मुझे भूनना है। अब मैं इसमें अपने ये प्याज डाल दे रही हूँ, मैंने छोटे प्याज लिए हैं दो, मैं भी इन्हें और ये सब हाई फ्लेम पे ही मैं इन्हें भून रही हूँ। चाइनीज कोई भी आप डिश बनाते हैं तो उसमें ओवर नहीं करते हैं, उसको हल्का ही रखते हैं, तो इसे मैं हाई फ्लेम पे ही भून रही हूँ। हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो मैं बस इसे इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। और मैंने ये एक चम्मच जो तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, तो ये एक चम्मच है, तो मैं इसमें पानी से इसको मैं घोल बना ले रही हूँ जब तक ये भून रहा है। ये देखिए प्याज हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये एक बड़ी शिमला मिर्च मैंने ली थी वो मैं डाल दे रही हूँ, इन्हें मुझे हाई फ्लेम पे ही भूनना है जल्दी से। ये देखिए शिमला मिर्च मेरे भून गए हैं। अब मैं इसमें ये टमाटो सॉस, मैंने हॉट एंड स्वीट का टमाटो सॉस लिया है, तो मैं दो बड़े चम्मच डाल रही हूँ इसमें,
आप चाहें तो इसमें टमाटो केचप और ग्रीन चिली का भी सॉस डाल सकती हैं। मैं इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ। मुझे फ्लेम हाई रखना है। और मैं ये एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। और ये छोटा सा छोटा चम्मच विनेगर। ये मैंने डाल दिया है और मुझे ये चलाते रहना है। और ये मैं कुटी काली मिर्च ली है मैंने, ये मैं डाल दे रही हूँ। और नमक, नमक आप थोड़ा ही डालिए क्योंकि सोया सॉस और टमाटो सॉस में भी नमक होता है। मैंने बॉल्स में भी नमक डाल रखा है इसलिए मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। और ये मैंने हाई फ्लेम रख रखा है। और ये मैंने कॉर्नफ्लावर जो पानी में घोल के रखा है, दो चम्मच पानी में मैंने घोला है, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, तो मैं इसे भी ऐड कर दे रही हूँ। ये इसको थोड़ा सा मैंने ग्रेवी टाइप में बना रखा है, ये देखिए। अब मैं अपने इसमें ये बॉल डाल दे रही हूँ सारी, और मुझे ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें सब में कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए सारे बॉल्स में। ये देखिए मेरा ड्राई मंचूरियन बनके तैयार हो गया है, ड्राई ब्रेड मंचूरियन। ये देखिए मैं इसको अपने एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरा ब्रेड मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।